आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश में छोटे छोटे 4 वर्ड वाले 3 वर्ड वाले वर्ड भी नहीं पढ़ने आते, और दिस दैट इट इज़ नॉट और इज़ एम आर के बिल्कुल भी पता नहीं है। इस चीज़ को मैं बिल्कुल आज शुरुआत से शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल अल्फ़ाबेट से। पहले अल्फ़ाबेट कराऊँगा, फिर आपको साउंड्स कराऊँगा, फिर कुछ वर्ड आपको पढ़ना सिखाऊँगा, उसके बाद छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको कराऊँगा। अब जैसे अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, क्या होती है, जैसे हिंदी में होती है हमारी वर्णमाला, तो अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, ठीक है। जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं अ आ ई, तो इंग्लिश में हमें पढ़ना पड़ता है ABCD। इनको हम कैपिटल लेटर कहते हैं, कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षर। बड़े अक्षर कम यूज़ किए जाते हैं, छोटे अक्षर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। बड़े अक्षर जो है वर्ड के शुरुआत में ही आते हैं, सेंटेंस की शुरुआत में ही आते हैं, और बाकी चीज़ें आगे हम और दूसरी वीडियो में सीखेंगे। इसमें हमारा लक्ष्य कैपिटल लेटर्स को लेके चलना। मैं इस वीडियो में ऐसे सिखा रहा हूँ जैसे एक बड़ा भाई किसी छोटे भाई को सिखाता है, अपने घर के किसी सदस्य को सिखाता है। इस तरह से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है इस वीडियो में, बिल्कुल आराम आराम से चीज़ें मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे पहला वर्ड है ए, यदि आपने पुरानी वीडियोस देखी है तो ये सब चीज़ें आपको आती होंगी, बट सभी चीज़ें नहीं आती होंगी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये कैपिटल लेटर्स होते हैं, हमेशा बड़े लिखे जाते हैं। ये एक ही तरह से लिखे जाते हैं, जिस तरह से यहाँ लिखे हुए हैं इसी तरह से लिखे जाते हैं, बाकी इसका कर्सिव राइटिंग में यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, तो कर्सिव राइटिंग में नहीं सिखा रहा हूँ आपको। अब जिस तरह से बड़े लेटर्स होते हैं उसी तरह से छोटे लेटर्स होते हैं। पहले हम छोटे लेटर्स को देख लेते हैं, उसके बाद इनको और किस किस तरह से लिखा जाता है ये भी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, छोटा वाला ए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी U V W X Y Z। अब छोटे वाले में तो हमने सीख लिया जो जो हमें बुक में कराया जाता है। अब इसके अलावा मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, अब जैसे A होता है तो A को इस तरह से भी लिखा जाता है, इस तरह से भी लिखा जाता है, और इस तरह से भी लिखा जाता है कैपिटल लेटर में। किसी भी तरह से लिखा हो, जब आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो अपने आप पकड़ बना लेंगे कि कौन सा A है कौन सा B। इसी तरह B होता है, C होता है, D E F, F को इस तरह से भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जब आप सीखने लगेंगे ना, चीज़ों को जानने लगेंगे, तो अपने आप चीज़ें समझ में आने लगेगी। अब जी है, जी को इस तरह से भी लिखा जाता है, जी एच, एच हो गया हमारा, एच को इस तरह से भी लिखा जाता है, आई, आई को इस तरह से भी लिखा जाता है छोटा करके, जे के एल, अब एल जो है हमारा इसको ऐसे भी लिखा जाता है, के को ऐसे करके भी लिखा जाता है ना, अलग अलग तरह से। ये बेसिक वीडियो है, इसमें मैं सिर्फ आपको एक तरह का बता रहा हूँ कि इस तरह से भी लिखा जाता है, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही हो। अब एम हो तो एम को छोटा वाला ऐसे भी लिखते हैं, एन को ऐसे भी लिखते हैं, ओ हो गया, पी हो गया, पी आपका इस तरह से भी लिखा जाता है, फिर क्यू हो गया, आर हो गया, आर आपका इस तरह से भी लिखा जाता है, दिख रहा होगा आपको इस तरह से, कैसे इस तरह से, और इस तरह से भी बनाया जाता है आर, ठीक है। अनऑफिशियल वीडियो है ये मत सोचिए कि YouTube पे है, इतना मुझे नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, सिर्फ आपको समझाने का प्रयास है। S है तो S छोटा वाला कैसे लिखते हैं, ऐसे करके और ऐसे हो जाता है, ठीक है S। ये T हमारा इस तरह से भी होता है, इस तरह से भी होता है, ऐसे भी लिखते हैं लोग, और कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, जिस तरह से भी आप लिख लीजिए, बस जिसके बीच में ऐसा निशान होता है उसको हम T कहते हैं सिंपल इंग्लिश में, बिल्कुल शुरुआती तौर पे। U हो गया, V, V हमारा ऐसे भी होता है, W हो गया, W हमारा ऐसे भी होता है, X हो गया, X हमारा ऐसे भी लिखा जाता है, मैथमेटिक्स में ऐसे ही X लिखा जाता है, Y हो गया, Z हो गया, Z हमारा इस तरह से भी लिखा जाता है। ये और तरह की
छह तरह की और अल्फाबेट होती है जिनको छह तरह से अलग अलग लिखा जाता है। बस बेसिक तौर पे ज़्यादातर इस्तेमाल इन्हीं दोनों का किया जाता है, ठीक है। तो शुरुआती तौर पर आपको यही सब वोवल सीखना है साउंड्स की बस। तरफ बढ़ते हैं। वोवल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ये हम वीडियो में आगे सीखेंगे। पहले मैं जैसे जैसे अभी तक पहले पढ़ाया है उस चीज़ को बार बार कंप्लीट करना है। शुरुआती इंग्लिश का है और बहाने मत मारना कि मुझे ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। थोड़ी बहुत मेहनत करो और जो अभी तक सिखाया है जितना उसको पहले कंप्लीट करो, उसके बाद ही आगे आपके लिए वीडियो है, ठीक है। उसको कंप्लीट कर लिया उसके बाद फिर क्या है, जैसे ये है बी ए टी, तीनों को जोड़कर क्या बन जाता है, बैट। अब इसको क्या करना है, बार बार रिपीट करना है कि बी ए टी बैट, बी ए टी बैट, बी ए टी बैट। अगर सीखना है तो शुरुआती तौर पे ये तो बहुत ही शुरुआती वीडियो है, बहुत ही शुरुआती चीज़ है। इंग्लिश को सीखने के लिए ये सब चीज़ें तो आना बहुत ही ज़रूरी है। ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जो अभी नई नई शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो से, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखकर आपको बेसिक सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आगे आगे जैसे आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आगे आगे भी चीज़ें मैं कराता जाऊँगा। इसमें मेरा रीडिंग सबसे मेन पर्पज़ है इस वीडियो को कराने का। BAT बैट, FAT फैट, CAT कैट। अब ये AT से क्या आ रही है आवाज, एट एट। B लगा तो बैट, F लगा तो फैट, C लगा तो कैट, R लगा तो रैट, S लगा तो सैट। हिंदी पे मत जाइए कि R से र होता है, S से स होता है। डायरेक्ट इंग्लिश में करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होगी। बच्चों को ऐसे नहीं सिखाया जाता कि B से ब होता है, F से फ होता है, ठीक है। डायरेक्ट सिखाया जाता है और डायरेक्ट दिमाग में बैठ जाता है क्योंकि उनका लेवल उस तरह का बन जाता है। हिंदी में सिखाते हैं तो हिंदी वाला लेवल बन जाता है जो कि मैंने पहले सिखाया हुआ है। डायरेक्ट इंग्लिश में सिखाएंगे तो डायरेक्ट इंग्लिश का लेवल बनेगा। BAT बैट, FAT फैट, CAT कैट, RAT रैट, SAT सैट। बार बार रिपीट कीजिए पहले इतना, फिर आगे। MAN मैन, ये किसकी आवाज़ निकालता है, N, जो हमने N पढ़ा था ना उसी की आवाज़ निकालता है N की। MAN मैन, P से पैन, F लग गया फैन, V लग गया वैन, R लग गया रैन। MAN मैन, PAN पैन, FAN फैन, VAN वैन, RAN रैन। अब CALL, ये किसकी आवाज़ निकालता है, ऑल की, ऑल। C लग गया CALL, कॉल। F से फॉल, M लग गया मॉल, H लग गया हॉल, W लग गया वॉल, CALL, कॉल। FALL, फॉल, MALL, मॉल। डबल L का मतलब क्या होता है, जब कोई लेटर डबल हो तो उसको डबल बोलते हैं। डबल L है तो डबल L बोलेंगे, डबल A है तो डबल A बोलेंगे, डबल O है तो डबल O बोलेंगे, डबल E है तो डबल E बोलेंगे, डबल U है तो डबल U बोलेंगे, डबल W है तो डबल W बोलेंगे। डबल का मतलब क्या है कि दो दो। तो MALL, मॉल। HALL, हॉल। WALL, वॉल। CAR, कार। ये R की आवाज़ निकालता है, R की, जो हमने R पढ़ा ना उसी आर की। CAR कार, BAR बार, WAR वार, FAR फार, JAR जार। अब इस तरह से ये देखिए किसकी, ये भी R की आवाज़ निकालता है, R की, बट थोड़ा जोर से, आ, आ लगा के र, R। ये तो R की आवाज़ निकाल रहा है सिर्फ, लेकिन ये R की आवाज़ निकालता है। जैसे फेयर, ये सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये R की आवाज़ निकालता है और पीछे लग गया तो ये फे बन गया, फे और ए, फे अर, फेयर। डे अर, डेयर। एम ए मेयर, SH शेयर, CAR E केयर, FAR E फेयर, DAR E डेयर, MAR E मेयर, SHAR E शेयर, CAR E केयर। ये बिल्कुल शुरुआती तौर पे है, बहुत लोगों को ये भी पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो ये YouTube वर्ल्ड है, हर किसी तक वीडियो पहुंच सकती है ये, और हर कोई बेसिक लेवल से सीखना शुरू कर सकता है। ये मेरी छोटी सी कोशिश है आप लोगों को सिखाने के लिए, उन लोगों को जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। अब इसी तरह साउंड ई पढ़ते हैं, BED बेड, ये एड की आवाज़ निकालता है, जैसे ए ड, एड की। BED बेड, RED रेड, WED वेड, PED पैड, LED लेड, VET एट, किसकी, एट की, ये एट, एट की आवाज़ निकलता है। VET वेट, LET लेट, SET सेट, JET जेट, WET वेट, PEN ये किसकी, N की, AN लिखेंगे N की, N, PEN पेन, MEN मैन, DEN डेन, ZEN जैन, HEN हैन, BYE बाय, EYE आई, ये आई की आवाज़ निकालता है, आई, बाई,
आई लाई टाई डाई, ई वाई ई आई एल वाई ई लाई एल आई ई टाई डी वाई ई डाई, एम ई मी, ये खींच के आता है। यहाँ पे लोग बोलते आई और ई में समझ नहीं आता, ये क्या करता है, ई की कहीं कहीं आवाज़ डबल ई की आवाज़ निकालता है, ई ई खींच करो, सिंगल हो तो ई की भी आवाज़ निकालता है और डबल की भी आवाज़ निकालता है। वो शब्द पर डिपेंड करता है कि क्या, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ ऐसी आवाज़ क्यों आई, ऐसी यहाँ आवाज़ क्यों आई। जो इंग्लिश में वर्ड है उसी वर्ड को हमें उसी तरह सीखना पड़ता है, उसी तरह करना पड़ता है। अपनी मर्जी हम नहीं चला सकते, अपना साउंड नहीं निकाल सकते, जो उसको पढ़ते हैं वही पढ़ा जाता है। एम ई मी, टी एच ई दी, अब इसको दी भी पढ़ते हैं और दा भी पढ़ते हैं, इस पर सेपरेट वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है। एच ई ही, एस एच ई शी। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और इसी तरह से और वर्ड की अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। पहले तो यही वीडियो काफ़ी अब लंबी है। साउंड ऑफ आई पढ़ते हैं, एस आई टी सिट। अब ये आई की भी आवाज़ निकालता है, ये ई की भी आवाज़ निकालता है, बट अलग अलग वर्ड में अलग अलग आवाज़ें आती है। उसके लिए वर्ड पढ़ने पड़ेंगे, वर्ड जानने पड़ेंगे। एस आई टी सिट, एच आई टी हिट, एफ आई टी फिट। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हार्ड होती रहेगी, तो इसीलिए जो अभी तक हो चुका है उस चीज़ को अच्छे से कंप्लीट करें, अच्छे से करें। वीडियो के लास्ट में आप कहेंगे हमें ये तो समझ में नहीं आया, हमारे बस का नहीं है, और अगर ये चीज़ बस की नहीं है तो इंग्लिश सीखना आपके बस की नहीं है, ये चीज़ भी आपको क्लियर है। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख कर आप सभी चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब इंग्लिश भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। एस आई टी सिट, एच आई टी हिट, एफ आई टी फिट, पी आई टी पिट, आई टी इट, एल आई एन ई लाइन, एम आई एन ई माइन, एफ आई एन ई फाइन, डब्ल्यू आई एन ई वाइन, एस एच आई एन ई शाइन, डब्ल्यू आई एन विन, बी आई एन बिन, जेड आई एन जिन, पी आई एन पिन, एस आई एन सिन, डब्ल्यू आई एन जी विंग। ये किसकी आवाज़ निकालता है, इंग की, किसकी, आई एन जी इंग की आवाज़ निकालता है। डब्ल्यू आई एन जी विंग, आर आई एन जी रिंग, के आई एन जी किंग, एस आई एन जी सिंग, डी आई एन जी डिंग। इसके लिए पहले कुछ भी आना ज़रूरी नहीं है इन वर्ड को पढ़ने के लिए, ये बिल्कुल शुरुआती इंग्लिश है। जिसको कुछ भी नहीं आता उसको सबसे पहले यही वर्ड सिखाए जाते हैं, तीन वर्ड वाले, चार वर्ड वाले, ठीक है। जैसे हिंदी में हमने अब, अमन, अमन, चमन, चमन सीखा था, उसी तरह इंग्लिश में सबसे पहले ये सिखाया जाता है। इससे बेसिक कुछ भी नहीं है इंग्लिश में। ये क की आवाज़ निकालता है, सी के क की आवाज़ निकालता है, सिक, एस आई सी के सिक, के आई सी के किक, डब्ल्यू आई सी के विक, सी एच आई सी के चिक, पी आई सी के पिक, सिक किक विक चिक पिक। तो इसी तरह अभ्यास जरूर करें, बार बार एक एक चीज को समझे, ठीक है। वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हार्ड होती अब जाएगी। साउंड ऑफ ओ, सी ओ टी कॉट, एल ओ टी लॉट, पी ओ टी पॉट, जी ओ टी गॉट, डी ओ टी डॉट, आर ओ सी के रॉक, क्या रॉक, एल ओ सी के लॉक, एस ओ सी के सॉक, एस एच ओ सी के शॉक। ये क्या बना, शलगम वाला श बना एस एच से, और एस से सिर्फ स बना, तो ये सॉक बना और ये शॉक बना। सी ओ सी के कॉक, दोनों के अलग अलग मीनिंग है। अभी मैं सिर्फ पढ़ना सिखा रहा हूँ, मीनिंग नहीं बता रहा हूँ। यदि आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया तो आगे वीडियो में वर्ड मीनिंग भी बताऊँगा इसी तरह लिख कर। आर ओ एल ई रोल, पी ओ एल ई पोल, एच ओ एल ई होल, एम ओ एल ई मोल, टी ओ एल ई टोल, सी ओ एस टी कॉस्ट, एल ओ एस टी लॉस्ट, टी ओ ए एस टी टोस्ट, पी ओ एस टी पोस्ट, एम ओ एस टी मोस्ट, क्या होता है मोस्ट। तो जब तक आप साउंड्स को पढ़ेंगे नहीं, यदि आप इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख रहे हैं तो कम से कम मेरे दोस्त 10,000 वर्ड को पढ़िए तो सही। यदि आपने आज तक 10,000 वर्ड नहीं पढ़े और आप कहते हैं यार इंग्लिश बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, तो उससे क्या होगा, कम से कम 10,000 वर्ड पढ़िए तो सही, डेली लेके बैठिए तो सही, एक महीने तक मेहनत करिए तो सही, करिए तो सही मेरे दोस्तों। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, चीज़ों को करेंगे नहीं, हमें इंग्लिश सीखना है लेकिन इंग्लिश से जुड़े हुए नहीं रहना, तो इंग्लिश कैसे सीखेंगे। अब हम सीखते हैं साउंड ऑफ यू, एच यू टी हट, बी यू टी बट, एन यू टी नट, सी यू टी कट, जी यू एन गन, एफ यू एन फन,
SUN सन, BUN बन, MUG मग, HUG हग, DUG डग, JUG जग, PUSH पुश, BUSH बश, HUSH हश, RUSH रश, FLUTE फ्लूट। ये किसकी FL किसकी आवाज़ निकाल रहा है? फ्लू की। फ्लूट, क्यूट, MUTE म्यूट, JUTE जूट, क्या होता है? जूट, सॉरी जूट। ठीक है, ये साउंड ऑफ यू था। और यही चीज़ें ना बार बार रिपीट होगी। अगर आप इस कोर्स को पसंद करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो आगे इस तरह के बहुत सारे शब्द मैं आपको कराने वाला हूँ और बहुत सारे वर्ड आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, साथ के साथ लिखना भी आप सीख सकते हैं अच्छे से। अगर आपका सपोर्ट रहा तो इन सभी शब्द को फिर से लिखना भी मैं सिखाऊंगा अच्छे से। बस सपोर्ट आप लोगों को चाहिए और आप लोग सीखें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसका वीडियो में क्या करेंगे, सबके मिक्स साउंड करेंगे, सभी शब्दों के साउंड आएंगे, है ना। जैसे BAG क्या बना, कोशिश कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, इसी वीडियो को 10 बार पढ़िए, 10 बार लिखिए, लिखने की कोशिश कीजिए, कहीं से ABCD लिखना सीख लीजिए। मैंने अपने चैनल पर बनाई हुई है, वीडियो नंबर 1 में है, लेकिन आपको ढूंढने में बहुत परेशानी होगी, तो किसी दूसरे YouTube चैनल से पहले ABCD लिखना सीख लीजिए। उसके बाद इन सभी वर्ड्स को बार बार लिखना, जितने भी वर्ड मैंने इसमें अभी तक लिखवाए हैं। BAG बैग, पढ़ना तो मैं बता ही रहा हूँ, लिखने का अभ्यास करो खुद से। ठीक है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुद घर पर बैठ के 10 दिन तक इन चीज़ों को मेहनत करो शुरुआती तौर पे। इतनी इंग्लिश तो सबसे पहले सीख ही लो। BAG बैग, RAT रैट, JAM जैम, YAK याक, EGG एग, PEN पेन, TEN टेन, BIN बिन, ANT आंट, BAD बैड, WELL वेल, DEN डेन, KITE काइट। अब क्या होता है, जिन शब्दों का मतलब हमें पता होता है, हमने सुना होता है, वो चीज़ें आसान लगती है। अभी तक जितनी भी चीज़ें आपने करी है ना, ये बड़ी ऑड लगी होगी, हार्ड लगी होगी, क्योंकि ऐसे साउंड्स आपने नहीं सुने हैं। इनमें से कुछ शब्द आपने सुने होंगे, तो जो सुने होंगे वो तो समझ में आ गए होंगे, बाकी साउंड आपको नए लगे होंगे। तो इंग्लिश में इसी तरह से बहुत सारे वर्ड हैं। अब वर्ड को जानेंगे तो जब शुरुआत में जानेंगे उन शब्दों को, तो थोड़ा ऑड लगेगा, थोड़ा बुरा लगेगा कि यार ये क्या है, ये क्या है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब थोड़ा बहुत अभ्यास करने लगेंगे, थोड़ी बहुत नॉलेज आपके अंदर चली जाएगी, उसके बाद काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो इसी तरह लगातार सीखते रहें चीज़ों को, चाहे कहीं से भी सीखें बट सीखते रहें। BELL बेल, LEAF लीफ, ये क्या बना, लीफ, BIRD बर्ड, NET नेट, PIN पिन, CHAIR चेयर, हार नहीं मानना है, लगे रहना है। जितने वर्ड मैंने दिए हैं इनको अच्छे से अभ्यास कीजिए, इतने वर्ड कम से कम आप सीखिए और कहिए कि हाँ कम से कम आज मैंने 150-200 वर्ड तो सीखे, इतना तो मैंने सीखा ना, काफ़ी है मेरे लिए। मैं अब अनपढ़ गवार नहीं हूँ इंग्लिश में, कम से कम 150 वर्ड मुझे आते हैं। और इसी तरह आप लोगों का सपोर्ट अगर रहा, आप लोगों ने अच्छे से अभ्यास किया और कमेंट करके मुझे बताया, तो आगे मैं और बहुत सारी वीडियोज़ इस तरह की डालता रहूँगा। CHAIR चेयर, GIRL गर्ल, GIFT गिफ्ट, LION लॉयन, FISH फिश, BOX बॉक्स। बीच बीच में मोटिवेशन देना लोगों को बहुत ज़रूरी होता है, और मेरी नज़र में एक टीचर से बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं होता। हर टीचर एक मोटिवेटर होता है, जिसको बच्चे को बीच बीच में मोटिवेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही मोटिवेशन भी ज़रूरी है। दूसरों को प्रेज़ करना, दूसरों को ये सलाह देना कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बताना बहुत ज़रूरी होता है मेरे दोस्तों। इसीलिए टीचर लोग बोलते ज़्यादा हैं, समझाते ज़्यादा हैं, पढ़ाने से ज़्यादा समझाते हैं, ताकि बच्चे का माइंडसेट पहले क्लियर हो कि मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, DOG डॉग, COT कॉट, BOY बॉय, MOON मून, जहाँ पे OO आएगा ना, वहाँ पे साउंड जो ऊ का साउंड है वो खिंच जाएगा, लंबा हो जाएगा। MOON मून, TUB टब, JUMP जंप, BUN बन, BULL बुल। इसी तरह के साउंड्स मैंने पहले भी पता नहीं कितने 50 से ज़्यादा वीडियो बनाई हुई है, बट जो नए लोग हैं वो पुरानी वीडियो जाके नहीं देखते हैं, तो इसलिए उन साउंड्स को नहीं मिलते हैं और वो नहीं सीख पाते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, या प्लेलिस्ट पर आप जाके उन वीडियोज़ को आसानी से देख सकते हैं, पहले भी बनाई हुई है वीडियो। अब थोड़ा हाई लेवल की चीज़ें देखते हैं, कुछ इंग्लिश के वर्ड पढ़ते हैं।
अब कुछ इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ते हैं जो इंग्लिश टू इंग्लिश ही हैं, ठीक है। बी एल ए सी के ब्लैक, बी ओ ए आर डी बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। बी ए जी बैग, आर यू एल ई आर रूलर, पी ई एन पेन, सी एच ए आई आर चेयर, ठीक है। टी ए बी एल ई टेबल, सी एच ए एल के चाक, क्या होता है ये चाक, एल इसमें साइलेंट होता है। इसी तरह यदि सपोर्ट दिखाते रहेंगे तो सब वर्ड कराऊंगा साइलेंट की, तो स्पेशल सीरीज कराऊंगा जिसमें 100 से 150 वर्ड सिर्फ साइलेंट लेटर के आपको दूंगा, ठीक है। डी यू एस टी डस्ट, बी आई एन बिन डस्टबिन, जी एल ओ बी ई ग्लोब, पी ई एन सी आई एल पेंसिल, आई आर ओ एन आयरन, जे ए एम जैम, R I C E राइस, B R E A D ब्रेड, J U I C E जूस, ठीक है। अच्छे से सीख गए इतना। S O A P सोप, T O W E L टॉवल, C O M B कॉम्ब, N E U N E W S न्यूज, P A P E R पेपर न्यूज़पेपर, H O N E Y हनी, S H I P ship, S H I P ship, O R A N G E orange, R E D red, T E A C H E R teacher। बहुत सारे वर्ड आपने इसमें से सुने होंगे, यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी आपने इन वर्ड्स को इंग्लिश में सुना होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे अब चीज़ें आपके समझ में आने लगेंगी, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे चीज़ें समझ में आने लगेगी। M A P map, C O M P U T E R computer। अब कुछ लोग कहते हैं सिर्फ इसको पढ़ लेना है या स्पेलिंग भी याद करनी है, तो मेरे दोस्त यदि आपको सिर्फ पढ़ना सीखना है तो स्पेलिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, यदि आपको लिखना भी सीखना है तो इनकी स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी, क्योंकि हर वर्ड आपको सामने लिखा हुआ नहीं दिखेगा। आप किसी ने बोला कंप्यूटर तो आपको लिखना भी आना चाहिए, अब लिखने के लिए इसकी स्पेलिंग भी याद करनी पड़ेगी, और सबको करनी पड़ती है, जितने बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उन सबको भी स्पेलिंग याद करनी पड़ती है, इसलिए उनकी मार लगती है। तो दोस्त स्पेलिंग तो याद करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, छोटे छोटे बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। T E L E P H O N E telephone, T E L E V I S I O N television, B double O K book, C A P cap, A double P L E apple, G R double E N green, ये क्या है double E green, D O C T O R doctor। आगे भी बहुत कुछ है, यहाँ तक काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें भी नहीं आती, तो उन्हीं लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, उन लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा मुझे हो और काफ़ी उन्हें फ़ायदा हो, ठीक है दोस्तों। F R U I T S फ्रूट्स, M I L K मिल्क, B U डबल T E R बटर, F I S H फिश, V A N वैन, C A R car, M A N G O mango, Y E double L O W yellow, A C T O R actor, ठीक है। यहाँ तक सभी चीज़ें समझ में आ गई, अब आप बहुत होशियार हो चुके हैं इंग्लिश में, बता रहा हूँ मैं, अगर यहाँ तक सभी चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली है। अब इन सभी चीज़ों को चाहे 10 बार करें आप, चाहे 20 बार करें, या चाहे 100 बार करें, जब तक ये सभी चीज़ें आपको याद नहीं हो जाती, सारी स्पेलिंग्स याद नहीं हो जाती, जैसा जैसा मैंने शब्दों को पढ़ाया उस तरह से पढ़ना नहीं सीख जाते, तब तक मेहनत करनी है। मेरा काम ख़त्म, आपका काम शुरू। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मेहनत करके ना चीज़ों को करिए, और मैं गारंटी देता हूँ आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाएंगे। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों से कहा था कि वोवल और कॉन्सोनेंट्स हम बाद में पढ़ेंगे। अब जैसे ये वोवल्स होते हैं, वोवल्स कौन से होते हैं, अल्फ़ाबेट जितने भी हमने अल्फ़ाबेट पढ़े थे ए से लेकर जेड तक, उसमें ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, हमारे वोवल होते हैं। वोवल का मतलब क्या है, स्वर। ये सारे साउंड होते हैं, जैसे अ आ ई ई ऊ री ए ई ओ औ अं अ के हिंदी में हमने साउंड पढ़े थे, उसी तरह ये इंग्लिश के साउंड है। कौन से, ए ई आई ओ यू, तो जहाँ पर भी वोवल का साउंड आएगा वहाँ पर एन आएगा, जहाँ पर एक ई, जहाँ पर ए ई आई ओ यू का साउंड आएगा वहाँ पर एन आएगा, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा वहाँ पे ए आएगा। अब ऐसा क्यों होता है, अब जैसे मैंने बोला ए एप्पल, जैसे मैंने लिखा
ए एप्पल, तो ए एप्पल बोलेंगे तो ए एप्पल, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, दोनों साउंड टकरा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होता है ए एप्पल नहीं होता, यहाँ पे एन लगा देते हैं तो क्या बन जाता है एन एप्पल, तो एप्पल का साउंड क्लियर आ रहा है, लेकिन अगर ए लगा दें तो एप्पल, ए एप्पल तो बड़ा ऑड सा लग रहा है, इसीलिए क्या करते हैं यहाँ पर एन लगा देते हैं एन एप्पल। तो इसी के एग्जाम्पल नीचे मैंने दिए हुए हैं, तो ए और एन का भी पता चल गया होगा। जो कॉन्सोनेंट होते हैं जो कि बी सी डी एफ जी एच आई जे के L M N P Q R S T U V W X Y Z, V छोड़कर U छोड़कर जो भी हमारे कॉन्सोनेंट हैं यहाँ लिखे होते हैं ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, और A E I O U हमारे वोवल होते हैं, वोवल के साथ N आता है, कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ, इनके साउंड के साथ A आता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे B है तो B किसका साउंड है कॉन्सोनेंट का, तो इससे पहले A आएगा। यहाँ पे C है, C किसका है कॉन्सोनेंट का, तो A आएगा। B क्या है कॉन्सोनेंट है, P क्या है कॉन्सोनेंट है, C क्या है कॉन्सोनेंट है, C क्या है कॉन्सोनेंट है, B क्या है कॉन्सोनेंट है। तो यदि इनके साउंड आते हैं इसके बाद ये सारे शब्द हैं तो उससे पहले A आएगा। अगर इसका साउंड आता है तो, अगर स्वर का साउंड आता है या A E I O U का साउंड आता है तो उससे पहले N आएगा। जैसे मैं पढ़ के बता देता हूँ, अ बुक, ब आया ना बी का साउंड आया तो यहाँ पे ए आएगा। अ बुक, अ कैट, अ बैट, अ पेन, अ कैप, अ कार, अ बर्ड। अब यहाँ पे एन आंट, अब आ का साउंड आ रहा है ना, आ का स्वर है ना हिंदी में, तो यहाँ पे क्या आएगा एन आएगा। अगर मैं यहाँ पे अ आंट लिख दूँ, अब इसको पढ़ूँ अ आंट तो अ आंट साफ साउंड नहीं आ रहा है, तो इसीलिए क्या करते हैं एन लगा देते हैं एन आंट एन आंट, समझ गए। तो ये क्या बना एन आंट, एन एप्पल, एन एग, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन एरोप्लेन, एन ईगल। अब यहाँ पे अ ईगल लगा दूँ तो देखिए अलग साउंड नहीं आ रहा, अ ईगल अ ईगल अ ईगल क्या होता है कुछ नहीं होता, लेकिन अगर बोलता हूँ एन ईगल एन ईगल तो एन ईगल ईगल हमारा साउंड क्लियर आ रहा है। तो ए और एन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये सब इंग्लिश ग्रामर में सिखाई जाती है, बट बेसिक तौर पे मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको बेसिक ज्ञान तो हो सके। चलिए दोस्तों स्टोरी अब आगे बढ़ाते हैं, इज एम आर की बात करते हैं। इज एम आर तीनों का मतलब होता है, आई के साथ हमेशा एम आता है। अगर कोई सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक चीज़ की बात हो रही है तो इज आएगा, प्लूरल अगर बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है तो आर आएगा, ठीक है। जैसे अभी हम देखते हैं कैसे, दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है। दिस का मतलब होता है यह, जो हमारे चीज़ पास में होती है उसके लिए हम दिस लगाते हैं और दूर की चीज़ के लिए दैट, इसको हम अगले चैप्टर में समझेंगे। अभी दिस और दीज के बारे में जानने हैं। दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है, अ बुक है एक किताब है, दीज आर बुक्स, बुक्स का मतलब क्या है बहुत सारी किताबें हैं, तो बहुत सारी किताबों के लिए क्या आया दीज, दीज का मतलब होता है जो बहुत सारी चीज़ हो, प्लूरल हो, एक से अधिक हो, और दिस कब आता है जब सिंगुलर हो, जब एक ही चीज़ हो। दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है, दीज आर बुक्स, यह किताबें हैं, समझ गए। दिस इज़ अ पेंसिल, यह एक पेंसिल है, दीज आर पेंसिल्स, ये पेंसिल्स हैं। तो इज आया एक के साथ, आर आया जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आर आता है बहुत सारे लोगों के साथ, या यू के साथ आता है आर, वो भी हम आगे समझेंगे। दिस इज़ अ बॉय, यह एक लड़का है, दैट इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है। दिस का मतलब क्या होता है यह है, जो चीज़ मेरे पास में है, दैट का मतलब होता है वह, जो चीज़ मेरे पास में नहीं है मुझसे दूर खड़ी है। जैसे दैट इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है, दिस इज़ अ बॉय, यह एक लड़का है, यह के लिए दिस और दैट वह के लिए, समझ आ गया। ये मैंने पहले भी अच्छे से समझाया हुआ है, बहुत 5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं इस वाली वीडियो पे। दीज आर ऑरेंजेस, दीज आर, आर का मतलब बहुत सारे हैं, क्या बहुत सारे हैं ऑरेंजेस, संतरे, संतरे बहुत सारे हैं, ये संतरे बहुत सारे हैं मतलब बहुत संतरे हैं, ये बहुत संतरे हैं, दीज आर ऑरेंजेस। दोज आर मैंगोज, दोज, अब दीज होता है जब कोई पास में चीज़ हो बहुत सारी, और जब कोई दूर हो बहुत सारी चीज़ें तो उसके लिए दोज होता है। दीज का मतलब पास में रखी है बहुत सारी चीज़ें, दोज का मतलब दूर रखी है बहुत सारी चीज़ें। दोज आर मैंगोज, वह मैंगोज हैं, आम हैं। दीज आर ऑरेंजेस, ये संतरे हैं, समझ गए। तो दिस होता है पास के लिए, दीज होता है पास के लिए, दिस होता है अगर सिंगुलर है तो, दीज होता है अगर प्लूरल है तो पास में, दैट होता है दूर है सिंगुलर तो, दोज होता है दूर है प्लूरल तो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं तो, ठीक है। अच्छे से सुनिए जो भी मैंने कहा, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ,
तो आई के साथ क्या आता है एम, यू आर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हैं, तो यू के साथ क्या आता है आर, आई के साथ एम हमेशा, यू के साथ आर, और ही हो वह हो या शी हो तो उसके साथ इज, ही इज अ स्टूडेंट, वह एक छात्र है, शी इज अ स्टूडेंट, वह एक छात्रा है, समझ गए। तो इज एम आर भी यहाँ पे क्लियर हुआ, इज एम आर का मतलब क्या होता है सिंपल, सिंपल प्रेजेंट में है जब कोई चीज होती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पहले भी समझा दिया, फिर भी समझा देता हूँ, दिस का मतलब होता है यह है, दैट का, दिस का मतलब होता है यह है, और दैट का मतलब होता है वह, दिस इज अ शर्ट, यह शर्ट है, दैट इज अ शर्ट, वह शर्ट है, यह का मतलब यहाँ रखी है, वह का मतलब दूर है, ठीक है। दिस इज अ मैंगो, यह एक आम है, दैट इज अ मैंगो, वह एक आम है, सिंगुलर ही है, दिस भी सिंगुलर है, दैट भी सिंगुलर है, ठीक है। दिस का मतलब क्या है कि चीज पास में है, दैट का मतलब चीज दूर है। दिस इज अ कैप, यह एक टोपी है, कैप है, दैट इज अ कैप, वह एक कैप है, वह एक टोपी है, यह एक टोपी है, वह एक टोपी है, हम कहते हैं यह टोपी है, यह टोपी है, एक नहीं लगाते, लेकिन अंग्रेज लोग क्या लगाते हैं, एक लगाते हैं, वो क्या कहते हैं, यह एक टोपी है, यह एक कार है, यह एक पेन है, लेकिन हम क्या कहते हैं, यह पेन है, यह टोपी है, यह मोबाइल है ना, हम एक नहीं लगाते, लेकिन अंग्रेज लोग लगाते हैं, इसीलिए अंग्रेजी में आर्टिकल्स पढ़ाए जाते हैं, जो कि हमारे ए है होते हैं, एन होते हैं और दा होते हैं, इस पर सेपरेट वीडियो बाद में आएगी, अभी तो बेसिक लेवल पर हम सीख रहे हैं। This is an iron. अब यहाँ पे क्या है I, A E I O U का साउंड आया ना, इसलिए यहाँ पे क्या आया N. This is an iron. यह एक आयरन है. That is an iron. वह एक आयरन है, ठीक है। N क्यों आया, N और A में कोई अंतर नहीं है, वोवल साउंड की वजह से N आया और कॉन्सोनेंट साउंड की वजह से A आएगा, दोनों का मतलब होता है आज एक। की वीडियो का लास्ट टॉपिक है इट इज और इट इज नॉट। इट का इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है ये, जब कोई सब्जेक्ट ना दिया हो तो इट का इस्तेमाल किया जाता है इंट्रोडक्शन बताने के लिए, ठीक है, उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए इट का इस्तेमाल किया जाता है, जानवरों के लिए और चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिस का मतलब होता है यह है, जो पास की चीज़ हो, लेकिन इट किसी भी चीज़ के लिए लगाया जाता है, ठीक है। इट इज़ अ डॉग, यह एक कुत्ता है। इट इज़ नॉट अ डॉग, नॉट का मतलब नहीं, नो या नॉट का मतलब होता है नहीं। इट इज़ नॉट अ डॉग, यह कुत्ता नहीं है। इट इज़ का मतलब यह है, इट इज़ नॉट का मतलब यह नहीं है। इट इज़ अ डॉग, यह कुत्ता है। इट इज़ नॉट अ डॉग, यह एक कुत्ता नहीं है। इट इज़ अ बैट, यह एक बैट है। इट इज़ नॉट अ बैट, यह बैट नहीं है। इट इज़ एन एप्पल, एन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ए का साउंड था। यहाँ पे ए क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड था। इट इज़ एन एप्पल, यह एक एप्पल है। इट इज़ एन एग, यह एक एग है। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा, इट इज नॉट एन एप्पल, यह एक एप्पल नहीं है। इट इज नॉट एन एग, यह एक एग नहीं है। तो कितने सारे कॉन्सेप्ट आपको आज की वीडियो में समझ में आए। तो आप चाहते हैं इसी तरह इस क्वालिटी में यदि मैं और वीडियोस डालूं इंग्लिश की, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपना प्यार जताइए और वीडियोस को शेयर कीजिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और बी पॉजिटिव, बी पावरफुल, पॉजिटिव रहिए। यदि आप पॉजिटिव रह के चीज़ों को सीखते हैं, इस वीडियो में 1000 गलतियाँ होंगी, मैं मानता हूँ 1000 गलतियाँ होंगी इस वीडियो में, वीडियो की क्वालिटी ख़राब है, बट इस वीडियो को बनाने का लक्ष्य ये है कि आप पढ़ना लिखना सीख सकें, और जो जो चीज़ें मैंने बताई है उन चीज़ों को अच्छे से अभ्यास कीजिए और उन चीज़ों पर विजय प्राप्त कीजिए। यदि आपको ये सब चीज़ें नहीं आती है तो उनको आज अपना समय देकर, लगभग ये 40 मिनट की वीडियो होगी, मुझे पता नहीं कितने मिनट की हुई है, वो बाद में पता चलेगी, 30 से 40 मिनट की ये वीडियो बनी होगी, तो 30 से 40 मिनट इन्वेस्ट करके इन सभी चीज़ों को सीखिए, सब पर अपनी पकड़ बनाइए, और धीरे धीरे जब बेसिक मजबूत होगा तो खुद आप समझ समझ कर, किताबों से पढ़ के, हल्की फुल्की किताबों से पढ़ पढ़ कर आप खुद ही डेवलप हो जाएंगे। इंग्लिश सीखना एक महीने का काम नहीं है, इसमें काफ़ी लंबा पीरियड है, किसी भी लैंग्वेज को आप सीख रहे हैं, और लैंग्वेज को सीखना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। हमारे इंडिया में इतने लोग पढ़े हुए हैं, फिर भी किसी को हिंदी नहीं आती, अच्छे से कोई शुद्ध हिंदी नहीं लिख सकता, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो। इसी के लिए मैंने अपना चैनल बनाया है AMT क्लासेस, जहाँ पर मैं हिंदी की मात्राओं के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर मैं, जो ये चैनल आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं बेसिक इंग्लिश और बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 200 प्लस वीडियोस और भी हैं, आप जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस के लिंक है। और यदि आपको हिंदी सीखना है तो AMT क्लासेस से जाके जुड़ सकते हैं, AMT क्लासेस, वहाँ पर भी 100 प्लस वीडियोस हो गई है हिंदी की। तो हिंदी, इंग्लिश और मैथ दोनों चैनल से जुड़कर आप सीख सकते हैं। मेरा लक्ष्य उन लोगों को मजबूत बनाना है जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं या अपने समय में पढ़ नहीं पाए।